नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आदि पुरुष के पूरी तरह बॉक्स ऑफिस पर पिटने के बाद प्रभास को अपनी अपकमिंग फिल्म सालार से काफी उम्मीदें हैं। इस बीच गुरुवार को मेकर्स ने इस फिल्म के टीजर को रिलीज किया है। टीजर में हाई वोल्टेज एक्शन और जबरदस्त स्टंट के साथ साथ प्रभास की दमदार झलक भी दिखाई दी गई है। उनके अलावा टीजर में दिग्गज एक्टर टीनू आनंद और एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने सभी का ध्यान खींचा है। सालार 28 सितंबर को रिलीज होगी। मेकर्स ने इसे फिल्म के पहले पार्ट को सालार द सीज फायर पार्ट 1 का नाम दिया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है फिल्म के अगले पार्ट्स भी बनेंगे। सालार का प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है, जो केजीएफ जैसी दमदार फिल्म में एक्शन डायरेक्ट कर चुके हैं। सुबह फिल्म का टीजर सामने आते ही प्रभास के फैंस एक्साइटमेंट काफी बढ़ गया। रिलीज के 4 घंटे के बाद ही करीब 10 मिलियन बार इस टीजर को देखा जा चुका है। साथ ही फैंस से टीजर को बेहद पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। टीजर में टीनू आनंद और पृथ्वीराज सुकुमारन ने सबका ध्यान खींचा है। टीजर की शुरुआत एक शख्स से होती है जो कि गाड़ी पर बैठा होता है। सारे लोग उसकी ओर राइफल और दूसरे हथियार ताने होते हैं और दूसरी भाषा में कुछ बोल रहे होते हैं। तब टीनू आनंद कहते हैं, सिंपल इंग्लिश नो कन्फ्यूजन। चीता, टाइगर, एलिफेंट बहुत डेंजरस होते हैं, लेकिन जुरासिक पार्क में नहीं, क्योंकि उस पार्क में, इतना कहकर टीनू रुक जाते हैं। उसके बाद सीन में कट होता है और प्रभास हाथ में चाकू और राइफल लिए दुश्मनों को मारते हुए नजर आते हैं। टीजर में प्रभास के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन भी हैं, जो विलन का किरदार निभा रहे हैं। प्रभास के फैन लंबे समय से सालार का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में टीजर उन फैंस के लिए ट्रीट से कम नहीं है। एक फैन ने कमेंट में लिखा है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। दूसरे फैंस ने लिखा है, प्रशांत नील का डायरेक्शन कभी भी ऑडियंस को नाउम्मीद नहीं कर सकता। वहीं एक और फैन ने लिखा है कि लंबे समय के बाद प्रभास को उनके एक्शन अवतार में देखने का मौका मिलेगा। ट्रेड एनालिस्ट मनोबल विजया बालन ने ट्विटर पर लिखा था कि केजीएफ 2 के क्लाइमेक्स में 5:12 पर रॉकी भाई का अटैक होता है और तब रॉकी भाई का जहाज समुद्र में डूब जाता है। अब प्रभास की सालार के टीजर को रिलीज करने का समय 5:12 रखा गया है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रशांत नील का कोई दमदार प्लान है, जिसे केजीएफ और सालार के बीच कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। सालार का टीजर देखने के बाद फैंस का कहना है कि इनकी वाइफ बिल्कुल केजीएफ जैसी है। बता दें कि सालार का यह पहला पार्ट है जिसका नाम सालार पार्ट 1 है और फिल्म में प्रभास के अलावा टीनू आनंद, पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन और जगपति बाबू हैं। इसे कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम के अलावा हिंदी में भी पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म के जरिए प्रभास को प्रशांत नील पहली बार साथ काम कर रहे होंगे। एसएस राजा मौली के डायरेक्शन में बनी बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन के बाद से ही प्रभास के हाथ को जबरदस्त फिल्म नहीं लगी। लोगों को उनकी फिल्म आदि पुरुष से काफी उम्मीदें थी, लेकिन वह बुरी तरह पिट गई। इतना ही नहीं, आदि पुरुष ने प्रभास के करियर पर निगेटिव इम्पैक्ट डाला है। ऐसे में प्रभास को सालार से बहुत उम्मीदें हैं। अगर फिल्म अच्छा परफॉर्म करती है तो प्रभास का करियर एक बार फिर बूस्ट हो जाएगा।